गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडेज इन दिस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कशन अबाउट द लास्ट लेक्चर ऑफ लेसन फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10 स्टैंडर्ड। क्लास 10 स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो कि अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिल सकता है, खासकर ICSE, CBSE एंड UP बोर्ड, इन सभी बोर्डों में एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पे पैटर्न को मेंटेन करता है और आपके सामने उसको फिर फेस करना होता है। तो आपको वो उस शेड्यूल को मैं बहुत आसान करना चाहता हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में इस एप्लीकेशन बेस्ड आप क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस टॉपिक को बहुत ही वेल डिजाइनेटेड फॉर्म में देखते रहिए, केयरफुल मैनर में बैठे रहिए और कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमारा कोरोजन होगा। क्या होगा? कोरोजन, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। इसका दूसरा नाम रस्ट होता है, इसका तीसरा नाम जंक भी होता है। कोरोजन मीन्स होता है मूर्छा। क्या होता है? मूर्छा। अब ये मूर्छा कैसे लगता है, चलिए हम इसको आपको लोकल भाषा में बता देते हैं। मूर्छा ये जो आयरन रॉड या आपका जो सरिया बाहर पड़ा रहता है जो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, उस पे जब पानी नमी मॉइस्ट पड़ती है, पानी पड़ती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे वो रिएक्शन करता है और फिर हमारे आयरन पे रस्ट लग जाता है। क्या लग जाता है? रस्ट, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, मूर्छा। और एक मतलब रियर केस देखा गया है जो हमारे कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार में जो आयरन पिलर पाया गया है, उस आयरन पिलर पे इतने साल गुजर चुके अभी तक उसमें रस्टिंग नहीं हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें अभी कोरोजन नहीं हुआ है। तो उसको साइंटिस्ट उसको देख रहे हैं, उसको भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट भी देखते हैं। कोरोजन, कोरोजन का जो पहला पॉइंट है, बताया गया कि व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू अ सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, अभी हमने बताया है, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हिच वीकेंस द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड। क्या बताया गया है? कह रहा है कि जो हमारा मेटल है वो ऐसे खुले वातावरण में पड़ा रहता है, उस पर मॉइस्ट पड़ती है, एसिड पड़ती है और उस पर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जिसके वजह से वो हमारा आयरन कमज़ोर होने लगता है मेटल, और उस मेटल को हम बोल देते हैं कोरोड। क्या बोलते हैं? कोरोड, यानी कि उस मेटल पे मूर्छा लगने लगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में मूर्छा लगना, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग, काली परत चढ़ना, सिल्वर पे जो चांदी होता है उस पे काली परत चढ़ जाना, ग्रीन कोटिंग, हरा कोटिंग होना, किस पे हरा कोटिंग होना? कॉपर पे होना। आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ये सब उदाहरण है कोरोजन, कोरोजन के उदाहरण है। कोरोजन के उदाहरण क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में मूर्छा लग जाना, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, चांदी पे काली परत चढ़ जाना और ग्रीन कोटिंग, हरी परत चढ़ जाना कॉपर पे, ये सब उदाहरण हैं कोरोजन के। तो ये कोरोजन आपको दिमाग में रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, कोरोजन को कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे उसको रोका जा सकता है? तो गैल्वेनाइजेशन के माध्यम से रोका जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से रोका जा सकता है, पेंटिंग के माध्यम से इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। चलिए और देखते हैं, इसलिए लोग अपने जो ग्रिल होता है, जो विंडो के ग्रिल होते हैं, उसको लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, या आजकल जो स्टील का या एल्युमिनियम का ग्रिल इस्तेमाल करते हैं, विंडो ग्रिल इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग टाइप के जो ग्रिल आते हैं या अलग अलग टाइप के जो यूटेंसल्स आते हैं वो ज़्यादातर अब एल्युमिनियम और स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि वो उसमें रस्ट नहीं होता है, वो रिएक्शन नहीं करता इन सभी चीज़ों से। आगे अगर हम बात करेंगे रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मीन्स होता है वर्ष अम्ला, जो बारिश होती है, जो
अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है? अम्ल वर्षा। अब ये अम्ल वर्षा कैसे होती है, अम्ल वर्षा को जान लेते हैं। अम्ल वर्षा जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। और वो लेयर जब पानी वहाँ से मानसून डेवलप होता है, आसमान से जब पानी आता है बादलों से, और वो पानी और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके रेंसिडिटी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रेंसिडिटी। चलिए आगे देखते हैं। बताया गया कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी कैसे होता है? फैट का ऑक्सीजेशन हो करके और ऑयल का एयर में, जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। इट लेड्स टू बैड स्मेल, बैड टेस्ट ऑफ फूड। सॉरी, ये रेंसिडिटी वो अम्ल वर्षा नहीं है, मैंने यहाँ पे रॉन्ग बोल दिया था। रेंसिडिटी कोई अम्ल वर्षा नहीं होती है। रेंसिडिटी बताया गया है कि जो हमारा फैट है, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाना या ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाना, और इसी को रेंसिडिटी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑक्सीकरण हो जाना, उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। अब जब ये रेंसिडिटी होता है तो जो भी हमारा मतलब फूड है, जो भी हमारा नमकीन है, जो भी हमारा बिस्किट है, उसका जो स्मेल होता है, जो भी हमारा ड्राई फ्रूट है, उसका स्मेल बदल जाता है, उसका बैड टेस्ट और उसका स्वाद भी बदल जाता है उस फूड का, तो उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी मतलब जो कि आपका ड्राई फ्रूट है, आप खुले में उसको रख देते हैं, और जब खुले में आपको रख देते हैं तो वही ऑक्सीजन से उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसका स्मेल, टेस्ट और टेक्सचर में बदलाव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ड्राई फ्रूट होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए ड्राई फ्रूट को आप किसी मतलब प्लास्टिक में, किसी मतलब आप मिरर गिलास में, मिरर बॉक्स में उसको बंद करके रखें। इसलिए जो प्लास्टिक में आते हैं, प्लास्टिक में उसमें गैस फिल कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस, ताकि उस फूड को इससे मतलब ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट किया जा सके, ताकि रेंसिडिटी ना हो और आपका फूड ख़राब ना हो। चलिए अब इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी को, तो प्रिवेंट मेथड बताया गया रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करके हमें रेंसिडिटी से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा पॉइंट बताया गया कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी फूड है आपका, ड्राई फ्रूट है या कोई भी फूड है आपका, नमकीन है, उसको टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए, ताकि उसको ऑक्सीजन उस कंटेनर में ना जाए और आपका फूड ख़राब ना हो। तो ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीकरण के माध्यम से आपका जो ड्राई फ्रूट होता है और भी अलग अलग फूड जो होते हैं वो उसी के माध्यम से ख़राब होते हैं। आगे बताया गया है रिप्लेसिंग एयर नाइट्रोजन, और उसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप करने से, और रेफ्रिजरेशन, और उसको फ्रीज में रखने से आपका फूड क्या रहेगा? प्रिवेंट रहेगा, ख़राब नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। यहीं से हमारा लेक्चर फिनिश होता है, ख़त्म होता है, और इसको सारा पॉइंट आपको वन बाय वन देखते रहना है। और जो भी डाउटफुल आपको लगे, जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में उसको बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।